प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता देता हूं। प्रॉब्लम यह है, और इस यात्रा ने इसको मैं कह सकता हूं छोटी तरीके से दिखाया है, बड़े तरीके से नहीं दिखाया, छोटी तरीके से दिखाया, क्योंकि मैं अभी मैंने शुरुआत की है। बीजेपी का प्रॉब्लम है कि उन्होंने हजारों करोड़ रुपए मेरी इमेज को खराब करने में लगा दिए और मेरी एक यहां पे उन्होंने इमेज बना दी है। अब लोग सोचते हैं कि ये मेरे लिए नुकसानदायक है, मगर एक्चुअली ये मेरे लिए फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि सच्चाई मेरे हाथ में है और सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है। तो जितना पैसा ये मेरी इमेज को खराब करने में डालेंगे उतनी शक्ति वो मुझे दे रहे हैं, उतना मनुवरिंग रूम वो मुझे दे रहे हैं, आप देखना। क्योंकि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता है। और जहां तक पर्सनल अटैक्स की बात है, पर्सनल अटैक्स इसलिए आते हैं क्योंकि व्यक्ति राजनीतिक पोजीशन लेता है। अगर आप बड़ी शक्तियों से लड़ोगे तो पर्सनल अटैक आएगा। अगर आप किसी शक्ति से लड़ नहीं रहे हो, अगर आप ऐसी फ्लोट कर रहे हो, तो पर्सनल अटैक नहीं आएगा। तो मैं जानता हूं जब मेरे पर पर्सनल अटैक आता है तो मैं सही काम कर रहा हूं, मैं सही डायरेक्शन पे चल रहा हूं। तो एक तरीके से ये जो पर्सनल अटैक होती है, ये जो पैसा बीजेपी मेरे इमेज को खराब करने में डालती है, ये एक प्रकार से मेरा गुरु है। ये मुझे सिखाता है कि भैया इधर जाना है, इधर नहीं जाना, उधर जाना है। क्योंकि लड़ाई क्या है, लड़ाई जो आपके सामने खड़ा है, लड़ाई उसकी सोच को गहराई से समझने की है, ठीक है। और मैं आस्ते 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 आरएसएस और बीजेपी की सोच को बहुत गहराई से समझ लगा हूं, तो लड़ाई में मैं आगे बढ़ रहा हूं।